गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। छेले आपणे अमुक दाखलाओनो अभ्यास कर्यो तो हवे फरीथी पाछा थियरी प्लस दाखला। आज मैं तमने जे छेले एक्स्ट्रा दाखला गणाव्या ने एमां हूँ पाछो फरीथी दाखलो गणीश। आज बे वखत समझाय छे पण थोड़ुं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो पहला आपणे प्रवेग विषयनी चर्चा करिए। प्रवेगना आलेखनी चर्चा आपणे आगळना लेक्चरमां करशुं। अत्यारे मात्र प्रवेग एटले शू एनी चर्चा करिए। तो हवे वेग कोने कहेवाय ए खबर पड़ी गई। तो एनाथी एक स्टेप आगळ प्रवेग। चालो प्रवेग एटले शू। प्रवेगनी व्याख्या, वेगमां थता फेरफारना समय दर ने प्रवेग कहे छे। शू वेग में थता फेरफारना समय दर ने शू कहवाय? तो के प्रवेग कहवाय। चलो हवे आना ऊपर थी आनु सूत्र ही बनावी लईए फटाफट। हवे बहु ईजी छे। धारो के टी वन समय पदार्थनो वेग वी वन अने टी टू समय पदार्थनो वेग वी टू होय तो आपने जे राशि मळे ई राशि मळे ई सरेराश प्रवेग। अने जो सरेराश होय तो एने आवी रीते दर्शावशु। प्रवेगनो सिम्बॉल छे ए एक्सेलरेशन अने बन्ने बाजू बराबर। तो हवे सरेराश प्रवेगनी व्याख्या शुं कहे? तो के वेगमां थतो फेरफार शुं? वेगमां थतो फेरफार ना समय दर ने। ना समय दर ने छे एटले छेदमां शुं आवे? समय दर। આ થઈ ગઈ વ્યાખ્યા સરેરાશ પ્રવેગની। ચાલો એના ઉપરથી સૂત્ર, વેગમાં થતો ફેરફાર, પહેલાં કેટલો વી વન હતો, પછી કેટલો થઈ ગયો વી ટુ, તો ફેરફાર કેટલો હોય? વી ટુ માઇનસ વી વન। સમય દર શું આવશે? ટી ટુ માઇનસ ટી વન। વી ટુ માઇનસ વી વનને કહેવાય ડેલ્ટા વી, ટી ટુ માઇનસ ટી વનને કહેવાય ડેલ્ટા ટી। રેડી? તો આ મળી ગયો પ્રવેગ। હવે હવે આ પ્રવેગ એ કેવી રાશિ છે? તો કે ભાઈ વેગ એ સદિશ રાશિ હતી, તો પ્રવેગ એ સદિશ રાશિ છે। કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે। તો દિશા કઈ હોય? પ્રવેગની દિશા વેગમાં થતા ફેરફારની દિશામાં હોય છે। આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજશું પ્રવેગની દિશા। ચાલો આગળ, હજી અહીંથી વાત પૂરી નથી થતી। પ્રવેગનો એકમ પણ આપને ખબર હોવી જોઈએ। ચાલો પ્રવેગનો એકમ, વેગ છે તો વેગનો એકમ ખબર છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। ફરીથી પાછું શું આવશે? સેકન્ડ। ચાલો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ના છેદમાં ફરીથી સેકન્ડ, સમજાય છે? વેગનો એકમ શું? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ના છેદમાં, જો આવી રીતે અંશમાં વેગનો એકમ શું આવે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, છેદમાં સમયનો એકમ શું આવે? સેકન્ડ। તો અંશનો છેદ ક્યાં જશે? છેદમાં। તો શું થશે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। શું થશે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। ચાલો અહીંયા સુધી થઈ ગયું। આપણે અગાઉ જે ભણી ગયા એ પણ હું કહી દઉં। અગાઉ આપણે સરેરાશ વેગ ભણ્યા હતા, યાદ કરો? ઓ દિન જબ હમ સરેરાશ વેગ પઢે થે, એને આવી રીતે દર્શાવ્યું હતું। સરેરાશ વેગનું સૂત્ર આપણે લખ્યું હતું સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો,
एक्स टू माइनस एक्स वन ना छेद में टी टू माइनस टी वन बराबर लिखू तू डेल्टा एक्स ना छेद में डेल्टा टी। आज आप भू भा तो के प्रवेग आग सरेराश तो हूँ लिखू वी टू माइनस वी वन छेद में टी टू माइनस टी वन बराबर शू लिखू डेल्टा वी ना छेद में डेल्टा टी। हवे सरेराश वेग ऊपर थी आपने तत्कालीन वेग तरफ गया था, याद छे क्या गया था? तत्कालीन वेग। तत्कालीन वेग माटे आपने डेल्टा टी ने केवो बनाव्यो? नानो 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 नानो, खूबज नानो, अति सूक्ष्म। अने एना माटे आपने शू कर्युं तुं? तो एना माटे आपने डेल्टा टी एकदम सूक्ष्म बनाव्यो तो अने वी मळ्यो तो वी माटे शू लिख्युं तुं? लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झीरो डेल्टा एक्स ना छेद में डेल्टा टी अने एना बराबर लिख्युं तुं डी एक्स बाय डी टी। शू लिख्युं तुं? डी एक्स बाय डी टी। तो हवे अहीं ज आपणे लखीए तत्कालीन प्रवेग। केवो प्रवेग? तत्कालीन प्रवेग। तो तत्कालीन प्रवेग माटे डेल्टा टी केवो लेवो पड़शे? सूक्ष्म। तो डेल्टा टी सूक्ष्म लियो एटले आपने शू मळे? ए बराबर शू? लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झीरो। हवे अहीं डी एक्स बाय डी टी लखाय ना लखाय? अहीं शू लखाय? वेग डेल्टा वी ना छेद में डेल्टा टी बराबर। तो हवे आना थी एक स्टेप आग ए बराबर शू थी गयू? डीवी बाय डी टी। ए बराबर शू थी गयू? डीवी बाय डी टी। एटले के जो तमारे प्रवेग जो तो होय तो वेगनु समयनी सापेक्षे विकलन करवू पड़े। ओके, तो आया जो हवे ए बराबर शू थाय? डीवी बाय डी टी, ज्या वी एटले वेग, ने वेग बराबर तो शू थाय? तो के डी एक्स बाय डी टी। चलो किंमत मूको तो ए बराबर डी बाय डी टी। हालो वी नी जग्या शू लखू? डी एक्स बाय डी टी। तो हवे शू थाशे? ए बराबर डी स्क्वेर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर। समझाय छे? एटले के जो एक्स वाळुं समीकरण होय तेनुं तमारे बे वखत शू करवू पड़े? विकलन करवू पड़े। ने बे वखत विकलन करो त्यारे आपने शू मळे? तो के प्रवेग छे ई मळे। अने जो वेग वाळुं समीकरण होय तो केटली वार विकलन करवानुं? एक वार विकलन करो तो शू मळे? प्रवेग मळे। आने कहेवाय द्वितीय विकलन, आ जे छे एने कहेवाय प्रथम विकलन। समझाय छे? हवे जो एक सरस मजानी अहींया हूँ शॉर्टकट लखी दऊं। स्थान वेग अने प्रवेग। बाळको स्थान ने आपणे x वडे दर्शावीए, क्यारेक y वडे दर्शावीए। वेग ने केना वडे दर्शावीए? v वडे। अने प्रवेग ने केना वडे दर्शावीए? a वडे। हवे जो स्थान ઉપરથી વેગ મેળવવો હોય તો શું કરવું પડે? વિકલન v બરાબર dx by dt, v બરાબર dx by dt। હવે વેગ ઉપરથી પ્રવેગ મેળવવો હોય તો વેગનું શું કરવું પડે? વિકલન। એટલે કે a બરાબર dv by dt, a બરાબર dv by dt। आने कहेवाय स्टेप वाइज प्रक्रिया। हवे कूदको मारवो होय के स्थान उपरथी सीधो प्रवेग मेळवो होय तोय बे वखत विकलन करवू पड़े अने एने कहेवाय ए बराबर डी स्क्वेर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर। समझाय छे आ वात? चालो हवे आना आधारे हूँ तमने फरीथी
एज दाखलो गणावू जे आगळना लेक्चर में आपणे वधारानो दाखलो गण्यो हतो। रकम याद होवी जोईए क्यो दाखलो हतो ई कही दऊं तमने। एक कणनुं स्थानांतर एक्स बराबर ए प्लस बीटी प्लस सीटी स्क्वेर माइनस डीटी रेस टू फोर वड़े आपवामां आवे छे। कणनो प्रारंभिक वेग शोधो ई तमने मळी गयो। तो हवे हूँ भेगो प्रश्न उमेरी दो, प्रारंभिक वेग अने प्रवेग शोधो। समझाई गयो? उमा वेग शोधो तो हवे अहीं प्रारंभिक प्रवेग पण शोधवानो छे। काई वांधो नहीं, मूंझावानी जरूर नथी, आपणे अहीं अहीं ज छीए। आना पछी हजी एक दाखलो हूँ गणावीश, पछी आ लेक्चर पूरो करशुं। चालो, प्रारंभिक वेग मळी गयो तो प्रारंभिक प्रवेग शोधवानो छे। तो प्रवेग शोधवा माटे पहेला तो वेग शोधवो पड़े अने एनुं फरीथी पाछुं शुं करवुं पड़े, विकलन करवुं पड़शे। चालो, वी बराबर डी एक्स बाय डीटी, डी बाय डीटी, एक्स की किंमत मूकी दियो ए प्लस बीटी प्लस सी टी स्क्वेर माइनस डी टी रेस टू फोर। चालो विकलन करो, वी मळशे। चालो एनी जगह शूँ थी जाए, जीरो, शू काम अचल पद छे, विकलन जीरो, प्लस बी प्लस, हवे अहीं सी टी स्क्वेर छे, शू थशे टू सी टी, बे सी टी माइनस डी टी रेस टू फोर छे, एटले फोर डी टी नो घन। समझाई छे? एनू विकलन जीरो, डी टी नू बी, सी टी स्क्वेर नू टू सी टी, माइनस डी टी रेस टू फोर नू फोर डी टी नो घन। विकलन ख्याल छे? एक ज सूत्रनो उपयोग हजी आव्यो, बीजा एक सूत्रनो आव्यो ज नथी। चालो हवे प्रवेग गोतवानो छे। तो वी ऊपर थी प्रवेग मेळवा माटे फरीथी विकलन, डीवी बाय डीटी, एटले के ए बराबर डीवी बाय डीटी, तो शू थशे डी बाय डीटी। हवे अहीं वी नी किंमत मूको, बी प्लस टू सी टी माइनस फोर डी टी नो घन। चालो अहीं वी नी किंमत मूकी दीधी, एटले हवे आपने शू मळे छे? तो के प्रवेग। चालो अचल पद छे बी, बीनू विकलन जीरो, टू सी टी, टी एक ज छे तो अहीं शू थशे टू सी माइनस फोर डी टी घन। बोलो बोलो बोलो, टीनू विकलन घन छे, घात नीचे पड़ी जाए, घातमांथी एक घात केटली नीचे पड़शे? त्रण घात, तो चार तेरी बार डी टी एनो स्क्वेर। आ मळ्यो प्रवेग। હવે પ્રારંભિક પ્રવેગ ગોતવાનો છે, એટલે કે ટી બરાબર ઝીરો સમયે પ્રવેગ, કેવા સમયે? ટી બરાબર ઝીરો સમયે પ્રવેગ, તો હાલો મૂકી દો ટી બરાબર ઝીરો આખા સમીકરણમાં, એ બરાબર ટુ સી માઇનસ, અહીંયા ટીની જગ્યાએ ઝીરો મૂકો, આ ભાઈ ઝીરો થઈ ગયું એટલે પ્રવેગ એ મળી ગયો, એ બરાબર શું થઈ ગયું? ટુ સી, એ બરાબર શું થઈ ગયું? ટુ સી। તો આ થઈ ગયો દાખલો પૂરો, પ્રારંભિક વેગ અહીંયા ગોતી લીધો હોય, પ્રારંભિક પ્રવેગ અહીંયા મળી ગયો હોય। ચાલો સમજાય છે? ફરીથી આગળના લેક્ચરમાં આની જ આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું અને પ્રવેગ વિશેની વધારે ચર્ચા કરશું। મિલતે હે બ્રેક કે બાદ, મહાદેવ હર। ચાલો જોઈ લો એક વખત।